हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाहीन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी स्टूडेंट्स, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं आज की क्लास में हमें समझने को क्या मिल रहा है, क्या सीख रहे हैं हम। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.7 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 है, उनके सब पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है, वेरिएबल टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई करें एंड देन सिंप्लीफाई करें। तो आज पार्ट नंबर 5 इसका सीखने जा रहे हैं, 16 का। उसमें फंक्शन गिवन है 1+3/t एंड होल पावर टी। चलो देखते हैं किस तरीके से समझने को मिलता है। सो लिमिट टी टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, फंक्शन जो गिवन है वो है 1+3/t होल पावर टी। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास मौजूद जो है वो कुछ डिफरेंट है, पावर में है। अब पावर जो वो वेरिएबल खुद पावर है, फ्रैक्शन तो है अंदर, जो जिस तरह पावर है उसका में टी डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय टी फ्रैक्शन, मगर इसमें पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पर आई एस का वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे? तो अब इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो इस टाइप का हमारे पास एक फार्मूला भी मौजूद है। तो फार्मूला ये है, फार्मूला कह रहा है लिमिट t टेंस टू अगर इन्फिनिटी हो, ठीक है, 1+1 डिवाइडेड बाय x हो, होल पावर अगर x हो तो इक्वल्स टू है e के, ये फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूला में आप 1 प्लस यहां पर जो वेरिएबल 1/x है, सेकंड टर्म जो है 1/x है, तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 1/x का रेसिप्रोकल मींस x, तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल मींस x, रेसिप्रोकल उसके होल पावर में अगर मौजूद है तो ये कंप्लीट जो है e के इक्वल होता है। ये फार्मूला सीखा हमने प्रीवियस क्लास में। तो हम क्या करेंगे, 1+3 डिवाइडेड बाय टी, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म को देखें, सेकंड टर्म जो भी है उस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल आपको चाहिए, तो सेकंड टर्म 3/t है, तो 3/t का रेसिप्रोकल करेंगे तो टी बाय 3 होगा, तो टी तो ऑलरेडी मौजूद है मगर अब पावर में डिवाइडेड बाय 3 हमें चाहिए, तो इस टर्म का अगर पावर में रेसिप्रोकल मिल जाए तो ये फार्मूला बन गया e के इक्वल है। ठीक है, तो जो ये टर्म है इसको हम मैनेज करते हैं कैसे, हम देखें 1+3 डिवाइडेड बाय टी होल पावर टी है, इसको अपने तरफ से 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस टर्म का रेसिप्रोकल 3/t जो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो टी बाय 3 होगा, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका पावर में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल टर्म, तो इसलिए 3 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ये लिमिट टी टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1+3 डिवाइडेड बाय टी होल पावर टी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड में जो 3 है वो टी के डिवाइड में लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, उस 3 को हम इस तरीके से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, इस फार्मूला के हिसाब से ये जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है, तो इस फार्मूला के हिसाब से ये कंप्लीट टर्म e के इक्वल आ गया होल पावर 3 है, सिंपल, ये था आंसर, सिंपल, कुछ भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल फार्मूला है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है वेरिएबल पावर में है, सेकंड टर्म जो भी है उस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में है, क्योंकि ये फार्मूला जहन में होना चाहिए, अगर फार्मूला जहन में है तो क्लिक होगा, ये प्रॉब्लम इस फार्मूला के हिसाब से होगा, तो वो ही टर्म मैनेज करना बाय यूजिंग फार्मूलास, ये e पावर 3 इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दी स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 6 भी सीखेंगे। तो 6 पार्ट में देखते हैं क्या है, किस तरीके से हम इसको समझेंगे, किस तरीके से इसको सिंपलीफाई करेंगे। लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, t डिवाइडेड बाय 1+t होल पावर
देखते वेरिएबल पावर में है, टी पावर में है, उसको देखें किस तरीके से सिंपलीफाई कर रहे हैं। सो टी जो डिवाइड हो रहा है, टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 plus t divided by t whole power t, सही है। अब इस टी को हमने क्या किया, शिफ्ट करके डिनोमिनेटर टर्म में जो टर्म है उसके साथ डिवाइड कर दिया। अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में t अपॉन 1 plus t रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 into t is t upon 1 plus t, वही टर्म मिल रहा है, सही है। तो भी इसको से भी लिख सकते हैं जी। क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल होल पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर में है, इसलिए ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। t टाइम्स 2 प्लस इनफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय t, t डिवाइडेड बाय t होल पावर t, जो वो t को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें भी पावर दे सकते हैं, इससे भी पावर दे दें, फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर दोनों में पावर आ गया। एंड डिनोमिनेटर क्या किया, 1 प्लस t, न्यूमरेटर में दो टर्म्स प्लस हो रहे हैं एंड t डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। एंड होल पावर t का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आगे मूव होते हैं, इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इनफिनिटी, 1 पे चाहे जितना भी पावर दे बनी रहेगा, ठीक। बाकी 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, ये टर्म है होल पावर t, ये t की अगेंस्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन अब देखें 1 डिवाइडेड बाय लिमिट को डिनोमिनेटर वाले टर्म के साथ मर्ज कर रहे हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t होल पावर t, ठीक, रीअरेंज भी किया है, 1 प्लस 1 अपॉन t होल पावर t। अब ये जो डिनोमिनेटर में आ चुका है, ये एक फार्मूला है, t टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी 1 टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय t है, एंड जो सेकंड टर्म बना अपॉन t है, सेकंड टर्म का वेरिएबल रेसिप्रोकल पावर इक्वल टू e होता है, ये फार्मूला। तो यहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे, अब देखिए एग्जैक्टली जो टर्म है वही फार्मूला, सेकंड टर्म जो है वही टर्म रेसिप्रोकल में अगर पावर में मौजूद हो तो e के इक्वल होता है, फार्मूला है, फार्मूला का आप आ देंगे, r इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय द कंप्लीट फैक्टर इक्वल्स टू द e, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो ये है फाइनली आंसर आपका पार्ट नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था सॉल्यूशन, जस्ट इस क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई किया, शिफ्ट किया है, इवेल्यूएट करने की कोशिश की है फार्मूला के हिसाब से, ये फार्मूला था इसके हिसाब से, तो आपके सामने किस तरीके से हमने इवेल्यूएट किया है, किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड लिमिट अप्लाई करने के बाद ये एक फार्मूला बन गया फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल था, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।